चूचू और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। एक बार चूचू और उसके दोस्त कसली, चाचा और बेबी टाकू को जंगल घुमाने ले गए। वो उन्हें उन जानवरों को दिखाना चाहते थे जो वहाँ रहते थे, पर कसली चाचा और बेबी टाकू को चिढ़ा रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था। बस करो कसली। हाँ कसली, चाचा और बेबी टाकू को चिढ़ाना बंद करो। पर कसली नहीं माना, वो चाचा और बेबी टाकू को तंग करता रहा। हाँ? जल्दी ही सारे बच्चे जंगल की झील तक पहुंच गए। वहां उन्होंने बंदरों का एक झुंड देखा। वो बंदर कुछ कछुओं के साथ खेल रहे थे। वो उनके साथ एक पेड़ से दूसरे पर झूल रहे थे। इसमें कछुओं को भी मजा आ रहा था। बच्चों ने ये भी देखा कि बंदरों ने कछुओं के लिए पेड़ के तने से एक खास स्लाइड भी बनाया है। कछुओं को उस स्लाइड पर फिसलकर पत्तियों और तिनकों की ढेर पर गिरने में बहुत मजा आ रहा था, जिसे बंदरों ने बनाया था। हाँ, झील में भी कुछ कछुए थे जो नन्हे बंदरों को अपनी पीठ पर सवारी करा रहे थे, और नन्हे बंदर बदले में उन्हें और मछलियों को ताजे पत्ते और रसीले फल खिला रहे थे। कसली, बेबी टाकू और चाचा बहुत रोमांचित थे। वो इस बात से खुश थे कि बंदरों, मछलियों और कछुओं में कितनी अच्छी दोस्ती है। वो ये भी जानना चाहते थे कि बंदरों की मछलियों और कछुओं में दोस्ती कैसे हुई। चूचू, ये बंदर तो ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं और कछुए और मछलियाँ इस झील में रहते हैं, तो इन बंदरों की मछलियों और कछुओं से आपस में दोस्ती कैसे हो गई? बताओ ना। हाँ चूचू, हमें बताओ ना। चूचू ने कसली, चाचा और बेबी टाकू को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, जंगल में शैतान बंदरों का एक झुंड रहता था जो ऊंचे पेड़ों पर रहा करते थे। बंदरों को जंगल की झील में रहने वाले कछुओं और मछलियों को चिढ़ाने और सताने में बड़ा मजा आता था। वो शैतान बंदर पेड़ की डालियों को जोर जोर से हिलाते, जिससे पेड़ की पत्तियाँ और फल कछुओं और मछलियों के सिर पर गिरता और उन्हें चोट लगती। कछुओं और मछलियों को बंदरों का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि बंदर ऐसा करना बंद कर दें और उन्हें परेशान ना करें। हमें परेशान करना बंद करो प्लीज।
पर बंदरों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने रोज उन पर पत्तियां और फल गिराना जारी रखा। फिर एक दिन एक बहुत बुरा हादसा हो गया। नन्हे बंदरों का एक झुंड एक पेड़ की पुरानी डाल पर झूला झूल रहे थे। वो उसे जोर से हिलाकर झील के कछुओं और मछलियों के ऊपर पत्तियां और फल गिरा रहे थे। अचानक जिस डाल पर नन्हे बंदर कूद रहे थे वो टूट गए और सारे बंदर झील में जा गिरे। नन्हे बंदर झील में गिर गए थे और जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर उनके माँ बाप फिक्र करने लगे कि उन्हें बाहर कैसे निकालें। अरे नहीं, मदद करो, कोई हमारे बच्चों को बचाओ। नन्हे बंदर तैरना नहीं जानते थे, इससे वो बहुत डर गए और रोने लगे। मम्मी। कछुओं और मछलियों को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। नन्हे बंदरों को इस हाल में देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तभी कछुओं के राजा वहाँ आ गए, जो उस झील के राजा भी थे। उन्होंने कछुओं और मछलियों से कहा, साथियों, मैं जानता हूँ कि ये बंदर हमें सताते हैं, चिढ़ाते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं, पर अभी वो एक बड़ी मुसीबत में है, इसलिए दया दिखाते हुए उनको बचाना चाहिए। इस तरह कछुओं और मछलियों ने उन नन्हे बंदरों को बचाने का फैसला किया। आ जाओ नन्हे बच्चों, हमारी पीठ पर सवार हो जाओ, हम तुम्हें किनारे पर छोड़ देंगे। कछुओं ने नन्हे बंदरों को अपनी अपनी पीठ पर बैठा लिया। जल्दी ही सारे नन्हे बंदर किनारे पर पहुंच गए। फिर सारे बंदर इकट्ठा हुए और उन्होंने कछुओं और मछलियों से कहा, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों को डूबने से बचाया। हमें अफसोस है कि हमने आपको सताया और मजाक उड़ाया, हम वादा करते हैं कि अब ऐसा नहीं करेंगे। हम तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। हाँ? एक बार फिर कछुए और मछलियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी कछुओं के राजा उनके पास आए और सबसे कहा, हालांकि आप ऐसे जानवर हैं जो पेड़ों पर रहते हैं और हम ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन हम सब इसी जंगल के प्राणी हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल दोस्तों की तरह। हुर्रे! उस दिन के बाद से बंदरों ने कछुओं और मछलियों को न तो कभी सताया, न चिढ़ाया और न ही कभी उनका मजाक उड़ाया, बल्कि अब बंदर उन पर दया करने लगे और रोज ताजे फल और सब्जियां उनके लिए लाने लगे। ये तुम्हारे लिए है मेरे दोस्त, लो इसे खा लो। शुक्रिया। अब सारे बंदर, मछलियाँ और कछुए एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते और मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। जैसे ही चूचू ने अपनी कहानी पूरी की, एक नन्हा बंदर नीचे कूदा और कसली की कैप झपट ली। उसने वो कैप पहन ली और चाचा, बेबी टाकू और कसली जैसा दिखने की कोशिश करने लगा। हाँ, ये मेरी मनपसंद कैप है, मुझे ये वापस दे दो, कोई मेरी मदद करो।
चाचा और बेबी टाकू ने मदद करने का फैसला किया। जैसे चूचू की कहानी में कछुओं और मछलियों ने बंदरों की मदद की थी। हालांकि कसली ने इन दोनों को सताया था और मजाक उड़ाया था, फिर भी उन्होंने कैप वापस पाने में कसली की मदद की। प्यारे दोस्त, प्लीज कसली की कैप वापस कर दो। नहीं, ठीक है, तुम हम दोनों की भी कैप्स ले लो। इसके बाद से कसली भी दूसरों पर दया करने लगा और उनकी मदद भी। धन्यवाद चाचा और बेबी टाकू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर आज से मैं अच्छा बर्ताव करूंगा तुम दोनों की तरह, जैसे कछुओं और मछलियों ने किया। कुछ और भी? हाँ, शहद का जादू तभी काम करेगा जब इसे खाया जाएगा भेड़िये की पूंछ के साथ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ और तुम सब कमजोर छोटे छोटे जानवर हो, चले जाओ। तभी एक जादूगर पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आया और सैमी को देखकर मुस्कुराया। सुनो, ये मेरी पालतू चिड़िया है, मैंने अभी तुम्हें इसकी मदद करते हुए देखा। श्रीमान हाथी, अच्छा होगा अगर आप खरगोशों के साथ ऐसे पेश आना बंद कर दें। हम भले ही छोटे हैं, लेकिन एक साथ हम बहुत ताकतवर हैं। हाथी खरगोश पर जोर से हंसा।